दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हुआ कि खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर को खिलाड़ी कुमार की आने वाली एक फिल्म की वजह से पृथ्वीराज चौहान से बाहर किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि वाइस पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको पता है किन दिनों अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी साल सिनेमाघर में एंट्री मारेगी। यानी कि इस फिल्म को 2020 में दिवाली के दिन रिलीज होना था, लेकिन भैया ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से ना तो कंप्लीट हो पाई और ना ही ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो पाई। और भाई अब इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म बहुत जल्दी ही 2021 में सिनेमा घर का रास्ता तय करेगी, लेकिन भैया वो डेट कौन सा होगा इसको लेकर अभी तक इस फिल्म के मेकर्स यानी कि यशराज फिल्म्स की तरफ से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन इससे पहले भैया इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भैया आखिर में ऐसा क्या हुआ कि भैया पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर यानी कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से अब इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम हट चुका है और भाई उनके हाथ से ये फिल्म निकल चुकी है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, तो भैया उसका कारण बताया जा रहा है वो फिल्म जिसकी घोषणा हाल फिलहाल में ही यानी कि 2020 में दिवाली के दिन अक्षय कुमार ने किया था। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की। यानी कि राम सेतु को लेकर यह खबर सबके सामने आ चुकी है कि अक्षय कुमार की आने वाली इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे भैया चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और भाई जब से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो उसके बाद से ये बात बताई जा रही है कि इस फिल्म की घोषणा जब की गई थी तो भाई ये बात जो है वो आदित्य चोपड़ा को पसंद नहीं आई है। यानी कि इस फिल्म को लेकर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने आदित्य चोपड़ा से कोई डिस्कशन नहीं किया था, उनको बताए बिना इस फिल्म की घोषणा कर दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इसी बात से काफी नाराज हो गए हैं आदित्य चोपड़ा चंद्र प्रकाश द्विवेदी से। और यही कारण बताया जा रहा है कि भैया पृथ्वीराज चौहान से अब नाम अलग हो चुका है चंद्र प्रकाश द्विवेदी का। तो दोस्तों जब से यह मामला सोशल मीडिया पर काफी तुल पकड़ रहा है यानी कि यह खबरें काफी वायरल हो रही है, उसके बाद से भैया चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने सबके सामने आकर ये बात रखी है कि भैया जो खबरें आप इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो कि उनका नाम पृथ्वीराज चौहान से अलग कर दिया गया है, उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई है, तो भाई ये खबर सरासर गलत है। यानी कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ये बात क्लियर की है कि भाई आप यहां ये बात कर रहे हो कि उनका नाम पृथ्वीराज चौहान से अलग हो गया, जबकि भैया आदित्य चोपड़ा उनके साथ एक और फिल्म की घोषणा बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।